हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। और बहुत प्यारा सा सनसेट दिख रहा है आपको। तो हम लोग जा रहे हैं शारजा लाइट फेस्टिवल देखने। और यहाँ पे शारजा में ना 7 to 18 फरवरी लाइट फेस्टिवल चल रहा है, और 11 जगहों पे चल रहा है शारजा के अलग अलग पार्ट में। तो बहुत सारे लोग तो सारे जगह पे जाते हैं, हम लोग कुछ पार्ट सोचे कि सैटरडे है तो आज कवर करते हैं। और लास्ट 2 साल पहले भी गई थी मैं यहाँ पे, और ये है शारजा मॉस्क, जो वन ऑफ द बिग और बहुत ही सुंदर मॉस्क है शारजा का। उसके बाद तो अबू धाबी वाला ग्रैंड मॉस्क है ही, उसके बाद मुझे सबसे सुंदर मॉस्क यही लगता है। और आप देख सकते हैं हम लोग टोपी वोपी लगा के एकदम रेडी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हवा एकदम ओपन में था ना, तो बहुत हवा चल रही थी और गजब का सनसेट हम लोगों ने एंजॉय किया। मतलब पहुंचते ही तुरंत फिर रात होने लगी और 6 बजे से शो शुरू हो जाता है। वीकेंड्स में शायद 11 साढ़े 11 बजे तक रहता है, नहीं तो फिर 10 बजे तक रहता है, ऐसा कुछ है। टाइमिंग्स आप चेक कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं तो। ये देखिए टोपी वोपी लगा के हम लोग रेडी हो गए हैं और ये देखिए शो शुरू हो गया है। तो यहाँ पे साइड साइड में बहुत सारे ब्रेंच लगे हैं, आराम से आप इवनिंग में चाय लेके आइए और इन्जॉय करिए ये वाला शो। और इस मॉस्क में तो वैसे भी शाम को रोज़ ही अच्छा लगता होगा, लेकिन ये लाइट शो जब होता है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। पूरे टाइम अब ऐसे होता ही रहेगा 6 बजे से 11 12 बजे तक। और देखिए कितने सारे कलर रंग बदल रहे हैं इस पे, सारा प्रोजेक्टर से ऐसा कुछ होता है। 2 साल पहले मैं जब गई थी ना तो भी मैंने वीडियो बनाया था यहाँ का डिटेल में। और पहली बार कोई चीज़ देखो तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है। तो लास्ट ईयर मैं नहीं जा पाई थी, मतलब कोई डे हो जाता है, इस दिन नहीं गया उस दिन नहीं गया, और 6 7 दिन का ही होता है, हर साल होता है। ये 13 ईयर हो गया शायद। तो अगर किसी को जाना, ये ब्लॉग मैंने शेयर किया कि जो भी दुबई से देख रहे हैं ज़रूर जाएं, बहुत अच्छा शो होता है। और नेक्स्ट वीकेंड, अभी नेक्स्ट वीकेंड तक रहेगा, 18 को ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब मेरे बात करते करते ही कितने सारे पैटर्न और डिज़ाइन चेंज हो गए हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। जिसके नज़दीक में जो वाला पड़े, मतलब 11 जगहों पे हो रहा है, तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। लास्ट ईयर 2 साल पहले तो मैं रफीशा डैम भी गई थी, वहाँ का तो बहुत ही सुंदर लग रहा था रफीशा डैम। वो पहाड़ों पे पूरा शो चला रहे थे और अद्भुत ही फीलिंग आती है वहाँ पे। तो बहुत टाइम तक हम लोग बैठ के देख रहे थे। और ये देखिए ये मॉस्क गए थे, उसके बाद यूनिवर्सिटी वाला, इस बार तो यूनिवर्सिटी वाला ना वहाँ पे टिकट कर दिए थे और वो शो अंदर चला रहे थे, क्या चला रहे थे कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग यूनिवर्सिटी गए, अभी आगे ब्लॉग में आप देखिएगा। फिर उसके बाद नहीं समझ में आया, टिकट था तो हम लोग और जल्दी जाना चाहते थे कि जल्दी जाएं, तब तो अंदर जाने से ग्लोबल विलेज जैसा बना के कुछ रखा हुआ है। ये देखिए यूनिवर्सिटी वाले, इसी की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर हम लोग दूसरे मॉस्क चले गए थे, दूसरी जगह पे, जहाँ तो तीन जगह पे हम लोगों ने कवर किया, क्योंकि 11 जगह पे हो रहा है। और 11 यूनिवर्सिटी वाला, 12 मतलब यूनिवर्सिटी वाला अलग है, उसमें ऐड नहीं है, ऐसा आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये ट्रैफिक देख रहे हैं, ये ट्रैफिक लेकिन मूव कर रहा था बहुत अच्छे से, सिक्योरिटी थी, हम लोग अच्छे से पहुँच गए थे। लेकिन देखा तो यहाँ पे, इसके बाद हम लोग आ गए थे नूर मॉस्क। ये देखिए ये मॉस्क भी शारजा का बहुत सुंदर मॉस्क है। और ये हम दीदी, जो हम लोगों की दीदी हैं दो, यहीं पे पास में रहती है, तो सोचिए जिसका घर ही इतने पास में यहाँ पे है और वो लोग वॉक करने यहाँ पे आते हैं। बहुत ही ये पूरा ना अल मजाज कॉर्निच एरिया है बोलते हैं इसको, शारजा का हार्ट बोलते हैं, बहुत ही सुंदर एरिया है। तो दीदी लोग हमारी जो है यहीं पे रहती हैं, और बहुत वॉक वॉक करो दिन में, मतलब सुबह सुबह ना बड़ा मज़ा आता है। और आगे आप देखिए ब्लॉग पूरा, इसमें जैसे बुर्ज खलीफा में फाउंटेन शो होता है ना, वो भी आसपास में पूरा वाटर फ्रंट एरिया है, बहुत सारा होता रहता है। तो ये एरिया मुझे बहुत पसंद आता है। और ये देखिए इस पे तो, इस वाले मॉस्क पे शो भी हो रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा। और ये देखिए वाटर, ये थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो लिया, दीदी लोग थी सब लोग, भाभी लोग तो बात बात करने में ज़्यादा थे, ब्लॉग ज़्यादा नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा सा देख रही थी। यहाँ से आप वॉक करके पूरा एरिया देख सकते हैं, ये अल मजाज वाटर फ्रंट है। और जी हाँ, इसमें 2 दिन का ब्लॉग है, तो सैटरडे का ब्लॉग ख़त्म हो गया, हम लोग खाए पिए दीदी के यहाँ, उसके बाद घर आ गए थे। और ये मंडे का गाड़ी हम लोग रुकाए हुए हैं यहाँ पे, आउटलेट मॉल जा रहे हैं हम लोग रास्ते में, तो गाड़ी रुका के ये देखिए क्या बारिश हुई है, पूरा मतलब ये सब कटाव बोलते हैं इसको ना, कट कट गया है पूरा रेत, ये देखिए हैं भगवान ने रेनबो को बनाया कह रहा है। ये देखिए रेनबो हम लोग देखने के लिए रुके हुए हैं, ये गाड़ी एक और रुकी हुई है, और यहाँ से रेनबो, अगर पूरा ये क्लाउड हट जाए ना तो ऐसा दिखेगा मस्त एकदम, यहाँ से बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन वही है कि अभी क्लाउड है
थोड़ा सा वहाँ पे रेनबो भी है लेकिन दिख नहीं रहा पूरा यहाँ पे बहुत। ये शारजा एरिया है तो शारजा मुझे लग रहा है बारिश हो रही है। शारजा में बारिश हो रही है ना, बन गई वीडियो तू। मस्त मौसम है भाई, क्या जबरदस्त बादल है, वाह 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 वाह। सन देखो यार, शाम के अभी 4 बजने, हाँ 4:10 हो रहे हैं। फिर से वो हो गया ना, क्लाउडी हो गया। हमारा मोबाइल कनेक्टेड है क्या कहीं? हाँ? तो ये वाली नई जो पार्किंग बन गई है आउटलेट मॉल में, ये मस्त है, मस्त है। हम लोग तो जस्ट आए हैं। मस्त वेदर है ना, चलो मॉल का अलग ही पार्किंग बन गया, अच्छा लग रहा है ये वाला। तो जी हाँ, आउटलेट मॉल आए थे हम लोग ना, जैकेट लेना था यहाँ पे, हुडी ऐसा वाला जो आप देख रहे हैं ना, ऐसा वाला ही काम चल जाता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ठंडी तो होती नहीं, तो विंटर्स में जैसे आप बहुत कहीं ठंडी जगह पे जा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब किसी दिन कुदरा जा रहे हैं, तो आप लेयरिंग करके ये जैसा अंश ने पहना है इसमें काम हो जाता है। और यहाँ पे देखिए आद्यांत कुछ तो अलग ही अपना लेके ट्राई कर रहे थे, मैंने कहा ये तो स्कूल यूनिफॉर्म जैसा लग रहा है। तो एक जैकेट चाहिए था जो ऊपर से थोड़ा सा वो प्लास्टिक जैसा रहता है ना, तो एयर अंदर ना जाए, और फुल ऐसा हुडी जैसा मिल जाए कुछ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, मोदी जी आने वाले हैं। जी हाँ, तो मोदी जी आने वाले हैं और बहुत सारी बारिश लेके आए, हफ्ते भर से माहौल यहाँ पे बहुत ठंडा है, और पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं बहुत सारी बारिश हो रही है, जैसा कि मैं रील में और हर बात में शेयर करती जा रही हूँ। तो इस वजह से क्या है ना कि जैकेट चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये स्पेशल मंथ हम लोगों का चल ही रहा है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख गया। और स्लिंग बैग के लिए ना मैं बहुत बड़ी मतलब पागल हूँ कि मुझे जो पसंद आ जाता है स्लिंग बैग, मुझे अच्छा लगता है ये। बहुत दिन से नज़र थी, बहुत अच्छा ऑफ़र में था, और रिसेंट में संभावना सेठ ने भी बैग लिया ना, तो मैंने कहा मैं भी लूँगी। और इसका साइज़ बहुत अच्छा है, गैस का आउटलेट मॉल में, गैस का जो आउटलेट है ना यहाँ पे, ये वाला मैंने लिया। बहुत ही सुंदर चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं, तो मैंने लगे हाथ ये ले लिया। मैंने कहा मेरा गिफ्ट तो बनता है। मैंने और भी चीज़ें शॉपिंग की, एक दिन बर दुबई गई थी, तो वो भी मैं किसी ब्लॉग में हो सकेगा प्रॉपर शेयर करूँगी। कुछ सिलने को भी गया है, और यहाँ पे मेरी खुशी देखिए, ध्यान से मैंने कहा रिकॉर्ड करो, वो अपने को ही ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने कहा क्यों ऐसा किए, तो कह रहा है कि मैं अपने आप को भी दिखाना चाहता था ब्लॉग में। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का थोड़ा डांस। तो ये ऐसे ना बारिश बारिश हो जाती है तो आउटलेट मॉल चले जाओ, क्योंकि और कहीं नहीं जा सकते वीकेंड पे, तो थोड़ा सा मज़ा आता है, फैमिली टाइम रहता है। और यहाँ पे देखिए मैंने कहा खोल के देखते हैं, फिर लगा कि खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो न्यू पीस ला के देते हैं, तो मैंने फिर से अंदर रख दिया इसको, और मैं इंजॉय करूँगी इस बैग को, मुझे बहुत ही पसंद है ऐसा बैग। देखिए एक मैंने लिया हुआ है ना, एल्डो का है, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा है, ये वाला साइज़ बहुत अच्छा है। और फाइनली यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है आउटलेट मॉल में, तो इनका जैकेट मिल गया। तो ये ऊपर से जैसे ये थोड़ा सा ऐसा रहता है ना, पानी अंदर घुस नहीं सकता, तो अच्छा है, हुडी है, और ये मिल गया अच्छे ऑफर में था। आवाज सुनो, ये बारिश हो रही है इतनी तेज से, देखो कैसे आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है यार, जैसे एकदम डर लग रहा है ना। पूरे मॉल में एकदम बारिश तेज से हो रही है, कहीं कहीं ना पानी टिप 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 गिर भी रहा है। पता चल गया कि कैसा कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ पे पानी गिर रहा है। होना लीसा हंस, ये तो बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो गई, मतलब ये एकदम जो 2 दिन से हो रही है उसमें सबसे तेज वाली अभी हो रही है लग रहा है ना।
हाँ, पूरा बिल्डिंग टपक रहा है, जिसने बनाया होगा उसका तो सामत आ गया कहेगा यार। अच्छा, न्यू बैलेंस के पास से आए थे ना। बादल गरज रहे, बादल ये देखो। हाँ वहाँ से दिखेगा, हम खाली पीरियड ढूंढ रहे हैं कहीं से दिखे, थोड़ा सा बारिश देखे। हम लोग अच्छा खासा फंस चुके हैं मॉल में, आउटलेट मॉल में। ये देखिए दोस्तों, आवाज़ ही आवाज़ गूंज रही, सिर्फ बारिश की आवाज़। मतलब शॉपिंग करने में भी मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। पूरा मॉल देखिए, ये तो नया वाला, ये तो खाली है। अभी हम लोग इधर मिरर के पास पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? पानी ही पानी। पार्किंग से दिखेगा ना, ये देखो यहाँ से दिख रहा है भाई बारिश। क्या बात है, बादल गरज रहा है। हाँ निकल लो, सही बात है। ए रुको 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 रुको, क्या बादल गरज रहे हैं। वो बहुत आगे जाके जो हम लोग जाते थे वहां से चलो ना, वो जो बहुत आगे जाके था, मुड़ना था बस ये देखो भाई, बारिश बारिश तो ये देखिए, बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हुए हम लोग आउटलेट मॉल से बहुत अच्छे पीसफुली ढंग से निकले थे। यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रैफिक जो आप देख रहे हैं वो आगे देखिए, यहीं पे पानी बहुत सारा एक साथ क्रॉस कर रहा था, तो लोग निकल रहे थे थोड़ा स्लो स्लो। उसके बाद मैंने सीधा आउटलेट मॉल के लिए ना नीचे से निकलते हैं, जैसे पुल जैसा उसके नीचे से, तो हम लोगों ने वो स्किप किया और उसके बाद सीधे हाईवे से जो है, क्या बोलते हैं, आलेन रोड है जो भी आगे जाके क्या है वहाँ का, वो लिया। उसके बाद मिर्टिफ से सीधा हम लोग निकल के बहुत अच्छे से हाईवे से घर आ गए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ट्रैफिक हो जाती है, लेकिन वेदर का भी मज़ा हम लोगों ने खूब लिया। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।